तो ये निर्भर करता है क्या अप्रोच होता है उनका भविष्य में। आप यदि इन्हें भी कुछ विजनरी नेता मिल जाते हैं आगे चल गए, जो कि जो समस्या वर्तमान में भी चल रहा है, जो पिछले 10-15 साल से देख वर्तमान रहे के हैं हिसाब उस से, दृष्टिकोण से। वर्तमान के हिसाब से तो स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे बड़ी में समस्या ये भी कि विदेशी प्रभाव हो चुका है। जी और आजकल, पहले कॉलोनाइजेशन ऐसे ही होता था कि अंग्रेज आए, उन्होंने मराठा साम्राज्य खत्म कर दिया और उसकी जगह टेक ओवर कर लिया भारत को। अंग्रेजों ने इस तरह से किया था, फिर भारतीयों को मारा और जो भी जुल्म करे। पहले का कॉलोनाइजेशन ऐसा होता था, अब वैसे नहीं होता क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र है, तो जी सबको पता है कि अब आप डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी चीज़ अप्रोच होती है कि आप अपने पसंदीदा लोग बिठाओ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान को हटा दिया गया क्योंकि एक बड़ी सुपर पावर के बारे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक बोल रहे थे, बिल्कुल और बाद में उन्होंने आरोप भी लगाया कि इन्हीं की वजह से मैं सत्ता से बाहर हुआ हूँ। तो यही समस्याएं आती रहेगी। यदि सपोज कीजिए, वैसे अब ये विजनरी लीडर्स यहाँ पर इसलिए भी नहीं पैदा हो सकते क्योंकि आर्मी का सबसे अहम रोल है, बिल्कुल और बिल्कुल आर्मी सबसे पहले यही चाहेगी कि आप कोई भी हो, आपको जो करना है देश में करो, पर सबसे पहले रक्षा बजट बढ़ाओ, वाह। क्योंकि रक्षा बजट से ही तो उसकी जो सेना अध्यक्ष होगा उसकी आपूर्ति होगी। मतलब आप सोच के देखिए, पाकिस्तान में जो अंडरवियर्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो भी पाकिस्तान की सेना बना रही है, जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहे हैं, किसी और कंपनी को अलाउड ही नहीं है। तो आप सोच के देखिए, लक्स कोजी या अदर जो ब्रांड्स है, वो अगर पाकिस्तान में चले भी गए तो उनको बिजनेस क्यों करने दिया जाएगा? सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे में स्थिति कैसे सुधरेगी? अर्थ अर्थ ये और ये तो मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ। पाकिस्तान ने आज तक खुद का सेटेलाइट क्यों नहीं लॉन्च किया? उसका भी रीज़न यही था